नॉलेज ग्रिप के इस खास वीडियो क्लिप में आपका स्वागत है। अपने इस स्पेशल वीडियो क्लिप में हम सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट्स के रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स, रूलिंग्स और ऑर्डर्स के ऊपर चर्चा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम रीसेंट में स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन चंडीगढ़ के द्वारा दिए गए एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर पर चर्चा करेंगे, जो कि कंज्यूमर्स के राइट्स, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को देखते हुए दिया गया है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप किसी शॉप या किसी मॉल में जाते हो, आप सामान परचेज करते हो, कैश काउंटर पर जब आप जाते हो तो बिलिंग प्रोसेस के दौरान आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है। आप बड़े ही सहजता से मोबाइल नंबर दे देते हो। उस समय आपको ये नहीं बताया जाता है कि मोबाइल नंबर आपसे किस पर्पज़ के लिए मांगा जा रहा है। कुछ दिनों के बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन पर मैसेजेस पाते हो, जो कि मार्केटिंग मैसेजेस होते हैं। स्पेशल ऑफर्स चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, इस पे ये फ्री है, ये सभी मैसेजेस आपको मिलता है। तो इसी पर्टिकुलर फैक्ट को लेकर के, इसी पर्टिकुलर प्रैक्टिस को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर जारी किया गया है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन चंडीगढ़ के द्वारा। ठीक है, आइए। देखो, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ ने रिसेंटली एक ऑर्डर इशू किया चंडीगढ़ के एक फेमस कॉफी शॉप आउटलेट के अगेंस्ट में, ये कहते हुए कि आप कंज्यूमर से पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते हो, इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर। अगर आप ऐसा करते हो तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। अब इस ऑर्डर के आने के बाद एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखा जा रहा है सभी रिटेल आउटलेट्स के ऊपर, शॉप्स के ऊपर, मॉल्स के ऊपर, जो अक्सर आपसे मोबाइल नंबर मांगते हैं बिलिंग प्रोसेस के दौरान। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी जानना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी गाइडलाइंस इशू किया है शॉप्स और मॉल्स के खिलाफ कि आप कंज्यूमर्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। और ये जो गाइडलाइंस थी वो 26 मई 2023 को इशू हुई थी। हमारे आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 72A, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 72A क्या कहता है कि कंज्यूमर्स का मोबाइल नंबर डिस्क्लोज करना बिना उसके कंसेंट के क्या है, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। अब जैसे जब आप बिलिंग कराने जाते हो तो एक लंबी लाइन लगी रहती है, जो सेलर है वो आपसे आपका मोबाइल नंबर डिस्क्लोज करने के लिए कहता है। तो यानी आप कहीं ना कहीं पब्लिकली अपना मोबाइल नंबर डिस्क्लोज कर रहे हो उस पर्टिकुलर प्लेस पर जहां कई सारे कंज्यूमर्स हैं। तो हमारे आईटी एक्ट का सेक्शन 72A क्या कहता है कि कंज्यूमर का मोबाइल नंबर डिस्क्लोज करना एट द टाइम ऑफ सेल बिना उसके कंसेंट के क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स इम्पोज करते हुए ये कहा कि कंज्यूमर्स को हमेशा फोर्स किया जाता है कि वो अपना मोबाइल नंबर डिस्क्लोज करें, और बाद में कंज्यूमर्स के पास ना चाहते हुए भी उनके पास मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं
प्रमोशनल मैसेजेस, ये ऑफर है, ये डिस्काउंट है, ये सेल है, राइट? ये चीज़ आपके साथ भी होता होगा। अब इस पर्टिकुलर केस में ये कहा गया कि कल को अगर कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट एक्सचेंज, रिटर्न या रिफंड कराने आता है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आपने अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया था, इसलिए आप इन फैसिलिटीज़ का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के तहत आएगा, ठीक है? कई बार जो शॉप ओनर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि ये हमारा कंपनी का पॉलिसी है और आपको मोबाइल नंबर डिस्क्लोज करना होगा। तो सपोज़ करो अगर आपने अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया और कल को आप अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना चाहते हो या रिफंड लेना चाहते हो, रिटर्न करना चाहते हो, अगर वो ये कहता है कि आपने अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया था, तो ये क्या है? ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के तहत आएगा, ये कहा गया। तो कंज्यूमर्स अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं भले ही वो मोबाइल नंबर दें या ना दें, आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते हो। अच्छा, ये जो कमीशन था, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इस कमीशन के जो प्रेसिडेंट थे जस्टिस राजशेखर अत्री और मेंबर में कौन था, राजेश के आर्या ने ऑर्डर पास किया इन रिस्पॉन्स टू अ कंप्लेंट, एक कंप्लेंट के रिस्पॉन्स में जो कि फाइल किया गया था एडवोकेट पंकज चंद गोटिया के द्वारा। कमीशन ने नोटिस इशू किया कॉफ़ी शॉप के अगेंस्ट में कि कॉफ़ी शॉप अपना रिस्पॉन्स फाइल कर दे 6 अक्टूबर 2023 तक। अब हुआ क्या था, आइए समझते हैं। देखो, एडवोकेट पंकज चंद गोटिया ने ये कहा कोर्ट में कि 4 सितंबर 2023 को वो एक चंडीगढ़ के फेमस कॉफ़ी शॉप में जाते हैं जहां ऑर्डर प्लेस करते वक्त उनसे उनका मोबाइल नंबर मांगा जाता है। चंद गोटिया ने ये क्वेश्चन किया कि क्यों उनसे उनका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो कैशियर ने कहा कि ये उनका शॉप पॉलिसी है मार्केटिंग और मैसेजिंग पर्पजेस के लिए, और कैशियर ने रिफ्यूज़ कर दिया कि जब तक आप मोबाइल नंबर नहीं दोगे तब तक ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा। चंद गोटिया फेल्ट प्रेशर्ड, ठीक है, चंद गोटिया ने हिचकिचाते हुए अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और ये सभी डिटेल्स जो था वो दे दिया, तब जाके ऑर्डर कंप्लीट हुआ। उन्होंने ये आर्गुमेंट किया कि ये जो पर्टिकुलर प्रैक्टिस है कॉफ़ी शॉप ओनर का, ये उनके राइट्स को वॉयलेट करता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ऑलरेडी गाइडलाइंस इशू कर दिया है कंज्यूमर्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर को लेकर के। फोर्सिंग कंज्यूमर्स टू प्रोवाइड देयर मोबाइल नंबर्स ड्यूरिंग परचेज इवन व्हेन दे चूज नॉट टू डू सो इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन वॉयलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स, राइट? अपने आर्गुमेंट में चंद गोटिया ने आईटी एक्ट के सेक्शन 72A का भी एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा कि हमारे आईटी एक्ट का सेक्शन 72A डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट कंसेंट ऑफ कंज्यूमर को एक ऑफेंस मानता है। और क्योंकि ये शॉप्स का, मॉल्स का मैंडेटरी पॉलिसी हो जाता है कि जब तक आप मोबाइल नंबर नहीं दोगे तब तक ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा, मोबाइल नंबर देने के बाद उनके पास अनवांटेड मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, तो ये पूरा क्या था, कंटेंट था केस का, जिसको देखते हुए इस कमीशन ने चंद गोटिया के लिए कंपनसेशन ऑर्डर इशू किया 1,30,000 का, राइट? ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड डिलीशन ऑफ मोबाइल नंबर। तो चंद गोटिया ने कमीशन से ये भी रिक्वेस्ट किया कि
कि शॉप के डेटाबेस में उसके मोबाइल नंबर को डिलीट कर दिया जाए, राइट, और आगे से उसे मैसेजेस ना भेजे जाए। तो ये जो ऑर्डर है कमीशन का, उस पर्टिकुलर शॉप, कॉफी शॉप ओनर के अगेंस्ट 130,000 का जो कि जुर्माना है उसके अगेंस्ट में, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट बन जाता है अदर रिटेलर्स के लिए, अदर शॉप्स, मॉल्स के लिए, कि वो कभी भी कंज्यूमर्स को फोर्स नहीं करेंगे कि आप अपना मोबाइल नंबर डिस्क्लोज करो। अगर कंज्यूमर चाहता है तो वो दे सकता है, लेकिन साथ में आपको ये भी बताना होगा कि किस पर्पज़ के लिए आप मोबाइल नंबर मांग रहे हो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने कंज्यूमर राइट्स के बारे में समझा। तो अब आप आगे से, अगर आपसे कोई शॉप ओनर या मॉल में अगर आप जाते हो तो कोई आपसे मोबाइल नंबर मांगता है बिलिंग पर्पस के दौरान, तो आप मत देना, ठीक है। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।